Good morning, good afternoon, good evening. Dosto, Kevin Lopez back again from Personal Tutor. हम न्यूज एजेंसीज इन इंडिया चेकआउट कर रहे हैं. भारत के परिपेक्ष में काफ़ी सारी न्यूज एजेंसीज आ चुकी है. टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट PTI, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. ये एक न्यूज एजेंसी इंडिया की है जो कि एकमात्र न्यूज एजेंसी गवर्नमेंटल लेवल पे उठ के दिखी थी और इसने काफ़ी सारी दूसरी न्यूज एजेंसीज का बंटाधार करा था, कह सकते हैं, बिकॉज इट हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर द कवरेज, द एम्प्लॉयमेंट, द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज. शायद ही कोई ऐसी एजेंसी इंडिया में डेवलप हुई थी उसके बाद में जो कि उससे कंपीट कर पाती. हालांकि अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, प्राइवेट कम्युनिकेशन कंपनीज काफ़ी आ चुकी है, रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स कंपनीज आ चुकी है, तो वो कंपैरिजन का जो स्टेट है दैट आई वुड कॉल इट टेकन फॉर ग्रांटेड, उनको ग्रांटेड में मिला. लेकिन इन्होंने जो स्ट्रगल शुरू करा था दैट वॉज रियली गुड माई फ्रेंड्स. इनके फॉरन कॉरस्पॉन्डेंट्स लगभग दुनिया के हर देश की कैपिटल में हैं. दे आर रेडी टू गो अहेड एंड कैप्चर एनी न्यूज इन अ गो. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इफेक्टिव. इंडिया के अंदर ही अकेले हम बात करें तो 1000 प्लस जर्नलिस्ट्स और 100 से ज्यादा इनके ऑफिसेस बेस्ड हैं विद इन द कंट्री इटसेल्फ. सुनने में काफी कम नंबर लगता है दोस्तों, लेकिन एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक ऑफिस के अंदर औसतन अगर 7-8 लोग काम कर रहे हैं और 1000 जर्नलिस्ट अगर हैं तो हम चार महानगरों में बांट ले तो 2500 लोग. उसके बाद में अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स करें तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टेट्स में हम डिवाइड करके देखेंगे इनके 1000 कॉरस्पॉन्डेंट्स, दैट गिव्स अस द पिक्चर कि हर स्टेट में इनके कितने कॉरस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए. इन्होंने कंप्यूटराइज सर्विसेज देना चालू करी है क्योंकि कंप्यूटराइज सर्विसेज का जमाना धीरे धीरे उठ के आ रहा था. इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटराइज सर्विसेज देना चालू करी, वो टेलीटेक्स्ट के माध्यम से थोड़ा सा ऊपर उठ के कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे थे इंटरनेट के जरिए. और इनकी कुछ सर्विसेज जो कि काफ़ी फेमस निकली थी, सच एज PTI स्टॉक स्कैन जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में बताती है, PTI मैग जो कि वेरियस खबरों के बारे में बताती है, डेटा इंडिया इज अबाउट इन्फॉर्मेटिव थिंग्स. साथ ही अगर हम देखें तो न्यूज़ कैन इनकी एक सर्विस थी जो कि बेसिकली टेलीविजन बेस्ड सर्विस इन्होंने लॉन्च करी थी. आप दूसरी सर्विसेज के बारे में भी देखते हैं, दूसरी एजेंसीज के बारे में देखते हैं कि कुछ सर्विसेज इन्होंने डायरेक्टली टीवी चैनल्स के लिए इन्होंने निकाली थी. सो दिस इज अमंग वन ऑफ इट. अगर हम बात करें तो इनके टाइप्स भी कुछ फॉरेन कंपनीज के साथ में है, फॉरेन न्यूज एजेंसीज के साथ में है, जैसे कि रॉटर्स और AFP के साथ इसका टाइप है टू प्रोवाइड न्यूज. इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती है वो इसको प्रोवाइड करते हैं, रॉटर्स और AFP इसके साथ में इसका टाइप है. AP एसोसिएटेड प्रेस जो है उसके साथ में इसका टाइप फोटोग्राफ्स के लिए है, क्योंकि शायद आप जानते हैं AP इज अ रिमार्केबल न्यूज़ एजेंसी इन द मैटर्स ऑफ फोटोग्राफ्स. माई फ्रेंड्स, सम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर फोटोग्राफ्स सब्सक्राइबर्स सच एज टाइम and India Today and all, they go ahead and subscribe to the AP. AP Dow Jones ke saath iska tie-up hai economic and financial news provide karne ke liye. Iski teaming isne karke rakhi thi South Asia Pacific region mein. Isne kuch Asian countries ki news agencies ke saath team karke rakhi thi for news and development, immediate news and development ke liye. AAP, that is Australian company, Nihon Keizai Shimbun, this is Japanese, Antara, that is Indonesian, and Yonhap, South Korea ki company hai. Uske saath iske tie-ups hai to go ahead and provide some immediate news is for the Asia Pacific region. अगर हम देखें तो 1978 का दौर जब आया था तब इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कदम रख दिया था. हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. इनको पूरी टेक्निकल एड प्रोवाइड करता है इनके साथ में डाउ जोन्स, दैट इज एन अमेरिकन एजेंसी. डाउ जोन्स इज एन अमेरिकन एजेंसी, वो इनको टोटल टेक्निकल एड प्रोवाइड करता है. बीच में कुछ स्पेकुलेशंस निकले थे, भारत सरकार की कुछ नीतियाँ थी कि डायरेक्ट सेलिंग ऑफ न्यूज़ टू द न्यूज़ एजेंसीज इज नॉट अलाउड एंड ऑल, तो कुछ स्पेकुलेशंस निकली थी कि डाउ जोन्स या राउटर्स इसको टेक ओवर करने वाले हैं एंड ऑल थिंग्स, लेकिन वो सारी अफवाहें थी दोस्तों. सो दिस इज बेसिकली वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर दोस्तों, सी यू अगेन, बाय बाय.